हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ी अपडेट। सीएम जयराम ठाकुर ने इमरजेंसी सर्वदलीय बैठक बुला ली है, तो इसमें जो है लॉकडाउन लगाने पर जो है आज ये फैसला हो सकता है। तो विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि कब ये बैठक होगी और कब जो है ये लॉकडाउन पर स्थिति आज साफ होगी, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं क्या ये अपडेट है। तो देख सकते आप यहां पर, कोरोना संकट के बीच सीएम जयराम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, लॉकडाउन लगाने पर हो सकता है फैसला। तो आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में आए दिन कोरोना संक्रमितों की मौत और नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सोमवार को ही एक दिन में रिकॉर्ड 55 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई थी। कांगड़ा जिले में स्थिति सबसे खराब है। तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम को 5 बजे ये बैठक पीटरहॉफ में होगी। बैठक में प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले प्रदेश सरकार विपक्षी दलों की राय लेना चाह रही है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भी होनी है, इसमें कोरोना को लेकर कई बड़े फैसले होंगे। सर्वदलीय बैठक में लिए फैसलों पर कैबिनेट पर मोहर लग सकती है। तो आए दिन बन रहा है कोरोना का रिकॉर्ड। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में आए दिन कोरोना संक्रमितों की मौतों और नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सोमवार को ही एक दिन में रिकॉर्ड 55 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई थी। कांगड़ा जिले में स्थिति सबसे खराब है। यहां कोरोना के सक्रिय केस कांगड़ा 5384 के पार पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी कांगड़ा में लॉकडाउन लगाने की मांग कर चुके हैं। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 107,121 के पार पहुंच गया है। इनमें से अब तक 80,679 से अधिक संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब करीब 21,788 हैं और 1599 से ज़्यादा संक्रमितों की हो चुकी है मौत। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज बैठक बुलाई जाएगी, शाम 5 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो यही थी फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा इस मीटिंग में। तो अपडेट अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।